तो पप्पा को लग रहा है आज हमारे पप्पा जी खाएंगे गोलगप्पे। ये है गोलगप्पों का भोग और साथ ही साथ काजू बर्फी का भोग है। तो रात डिनर बहुत ही हल्का करने वाले हैं आज हमारे पप्पा जी। गोलगप्पे खाएंगे और अपना प्रिय मोदक खाएंगे। क्यों पप्पा जी हैप्पी? हेलो दोस्तों, और मैं आज बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन थाली पप्पा के लिए, और जिसके लिए मैंने अभी जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग की है। ऑनलाइन ही मैंने मंगाई है सब्जियाँ। यहाँ मैंने ब्लैंकेट से सब्जियाँ मंगाई है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि ब्लैंकेट से सब्जियाँ मंगाने से क्या फ़्रेश आती हैं, जैसे हम मार्केट से सामने से ख़रीद के लाते हैं ब्लैंकेट में तो ऐसे भी आ जाता है। देखो कई बार हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको ब्लैंकेट से सब्जियाँ हरी मिलती हैं, ताज़ी मिलती हैं। और जो ताज़ी सब्जियाँ होती हैं उनकी मैं आपको अभी थोड़ी देर में पहचान बताती हूँ। ये सारी सब्जियों को मैं ओपन करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ताज़ी सब्जियों की जनरली जो पहचान होती है वो क्या होती है। ताज़ी सब्जियाँ हमेशा आपको बिल्कुल टाइट होंगी। जैसे ये देखिए शिमला मिर्च है, काफ़ी टाइट सब्जी है और इसी से पहचान होती है कि ये ताज़ी सब्जी है। टमाटर भी आप टाइट टाइट से खरीदें, ऐसे ही बीन्स है, फूले फूले टाइट रहते हैं, ये कलर सुखड़ा हुआ, इनमें चेंजेस नहीं है। साथ ही साथ गाजर भी आपको इस तरह से क्लियर गाजर मिलती है और टाइट रहती है। तो ये ताज़ी सब्जियों की पहचान होती है दोस्तों। तो अभी आज हम सांभर बनाएंगे, तो फटाफट से सारी सब्जियों को हम धो लेते हैं, काट लेते हैं। और सांभर के लिए मैंने यहाँ पे गाजर, बीन्स, कद्दू, खीरा और कद्दू लौकी ये सब लिया। सो यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली है। गाजर है, लौकी है, बीन्स है, कद्दू है, भिंडी है, ड्रमस्टिक है और तुअर की दाल है जिन्हें मैंने भिगो लिया था। तो झटपट से सांभर बना लेते हैं। और ये है टैमरिंड पेस्ट। ये देखिए यहाँ पे मैंने दाल गरम कर ली है। तो दाल में ही मैं क्या करती हूँ, सारी सब्जियाँ एक साथ डाल देती हूँ, इससे टाइम भी बच जाता है और चीज़ें भी बन जाती हैं। तो मैं इस तरह से सांभर बनाती हूँ। और ड्रम स्टिक क्या होता है कि हमारे यहाँ ना कोई खाता नहीं है, बट इसका फ्लेवर सांभर में आना ज़रूरी है, इसलिए मैं और ड्रम स्टिक को थोड़े लंबे में काटा है ताकि जब ये पूरी अच्छे से छुक जाएगी, बन जाएगी, तो मैं ये स्टिक को निकाल सकूँ। तो इस तरह से बनता है सांभर। सो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ ऐड कर दी हैं, दाल और सब्जी। नमक डाल के इसमें हम 2-3 सीटी लगाएंगे। और साथ ही साथ इडली बनने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी है, साँचा रखेंगे और इडली बैटर रेडी कर लेते हैं। तो सूजी बैटर भी रेडी हो गया था। जनरली सूजी में जो है सूजी को भिगो लेते हैं, जैसे 1.5 कप सूजी है तो 2 कप पानी में डालकर उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। जब वो अच्छे से हो जाती है तब हम इसमें एक इनोशका सैसे डालकर उसका बैटर बना लेते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ चिल्ले का, जिसका डोसे का बैटर है। ये डोसा राइस और सूजी का डोसा, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। आज बहुत सारी जल्दी जल्दी रेसिपी बनानी है मुझे। तो फिलहाल तवा गर्म हो जाता है ना, और लिक्विड वाला जो इस तरह से हम डोसा डालते हैं तो जल्दी सिकता है। और ये देखिए साइड से इस तरह से पैन जब गोल्डन होने लगे तब उतारें, जैसे आप साइड में अभी मैं उतार रही हूँ ना, ऐसे बिल्कुल ना उतारें। ये तड़का हमारा राई का हो गया है, करी पत्ते का। और ये अब मैं इसको लगा देती हूँ अपनी नारियल चटनी में। सो ये हमारी नारियल चटनी भी रेडी हो गई है। सो यहाँ पे नारियल चटनी रेडी है, हमारा नारियल चटनी रेडी है, सांभर रेडी है, इडली भी रेडी है और हमारा डोसा भी रेडी है। आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। तो फटाफट से बस अब पप्पा को लगाते हैं अब भोग प्रसाद। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। तो नारियल चटनी। सो दोस्तों इस तरह से मैं बनाती हूँ पप्पा के लिए थाली। जैसे परसों महाराष्ट्रियन थाली बनाई थी, आज साउथ इंडियन थाली बनाई है। एक दिन रुक के मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी पंजाबी थाली। तो मेरे पप्पा को मैं इस तरह से हर बार भोग लगाती हूँ। जैसे लंच में मैंने रोटी कद्दू की सब्जी भी बनाई थी, तो वो मैंने पप्पा को भोग
और साथ ही गोलगप्पे और बाकी की भी स्नैक्स आइटम, जैसे शाम होती है तो मैं शाम में जो चीज़ें हमें पसंद आती है बिना प्याज वाली चीज़ें अक्सर मैं खिलाती हूँ और मिठाई का एक भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से रहता है मेरे सुबह शाम और लंच डिनर की तैयारी बप्पा के भोग के लिए। तो ये 10 दिन मैं इसी तरह से सुबह शाम दोपहर में भोग लगाती हूँ। और पंजाबी थाली देखने के लिए नेक्स्ट डे के ब्लॉग के लिए जुड़े रहे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।